चोरों का आतंक। बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों रुपए साफ। मोकामा के हाथीदह गांव निवासी अनिल सिंह के घर को चोरों ने निशाना बनाया। बंद घर से कमरे का ताला तोड़कर अलमारी को भी तोड़ दिया और लाखों रुपए की संपत्ति ले उड़े। स्वामी अनिल सिंह ने बताया कि वो परिवार सहित दिल्ली रहते हैं, जबकि उनका भाई पंकज बेगुसराय में है, इसलिए घर में ताला लगा रहता है। घर सूना था, इसी दौरान चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। पीछे के मेन दरवाजे का लॉक तोड़कर चोरों ने घर के सभी कमरों के ताले तोड़ दिए, सब कुछ साफ कर दिया। अनिल ने बताया कि लगभग 6 लाख के आभूषण, नगद व बर्तन, टीवी आदि की चोरी हुई है। थाने में नियम अनुसार प्राथमिकी दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी हाथीदेह में चोरी की कई वारदातें हुई हैं, जिसमें किसी का अब तक खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है। गिरीश सिंह और सतीश सिंह के घर से 35 लाख और 5 लाख की चोरी की गुत्थी आज तक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, जबकि डॉग स्क्वाड, FSL तक की मदद ली गई थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस इस चोरी कांड का खुलासा कर पाएगी। कितना क्या हुआ है घटना? हम आए ना तो दरवाजा टूटा हुआ था और पलंग बिखरा हुआ था, पलंग भी उखाड़ दिया था। मिला जुला कर 5-6 लाख का सामान ले गया। हाँ, गोदरेज खुला हुआ था, गोदरेज का भी लॉक तोड़ दिया था, गोदरेज से सारा गोदरेज पूरा खाली कर दिया। कुल मिलाकर 5-6 लाख का सामान। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। कहाँ रहते हैं? तो दिल्ली रहते हैं।